पैसा का एरा फेरी, फिर ड्रग्स और बंदूक का एरा फेरी, लेकिन ये टाइम ये जो राजू का एरा फेरी होने वाला है, तो बहुत मजा आने वाला। दोस्तों 21 सालों के लंबे इंतजार के बाद कॉमेडी फिल्मों में सबसे यूनिक, सबसे हटकर मास्टरपीस सुपर डुपर हिट फिल्म हेरा फेरी का सीक्वल यानी हेरा फेरी 3 फिर एक बार बनने की बात चर्चाओं में आ गई है। जी हां दोस्तों, जैसे कि इस बार फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा कौन कौन से बड़े बड़े सुपरस्टार होने वाले हैं और परेश रावल यानी बाबू भैया ने क्या कहा है फिल्म को लेकर, और फिरोज नाडियाडवाला जो कि इस फिल्म के फिल्म निर्माता है उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान क्या कहा था फिल्म को लेकर, जिसे सुनने के बाद आपका एक्साइटमेंट फिल्म के लिए और ज्यादा बढ़ने वाला है। और साथ ही बात करेंगे ये फिल्म आपको कब तक देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी सब बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्स के और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो हेरा फेरी 3 बनने की बात काफी टाइम से चर्चाओं में है, लेकिन इस बार हेरा फेरी 3 की कास्टिंग में गूगल रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के अलावा नाना पाटेकर, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार जॉन इब्राहिम और अभिषेक बच्चन, ईशा गुप्ता, नेहा शर्मा, केके मेनन, राजपाल यादव जैसे जबरदस्त कलाकारों का नाम सामने निकल कर आ रहा है। हालांकि बाबू भैया यानी परेश रावल ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान हेरा फेरी 3 को लेकर कहा कि अब टाइम बदल गया है और टाइम के साथ साथ फैंस का फिल्में देखने का नजरिया भी बदल गया है, इसीलिए हेरा फेरी 3 को अपने दोनों पिछले पार्ट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होना होगा, तभी फैंस फिल्म को दिल से पसंद करेंगे। और साथ ही उन्होंने मजाक में ये भी कहा, अगर मुझे फिर से पुराने वाले अवतार में बाबू भैया बनाया तो मैं अपनी फीस बढ़ा दूंगा। हालांकि जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना चाहूंगा, कुछ साल पहले अक्षय कुमार के बिना जॉन इब्राहिम, अभिषेक बच्चन और परेश रावल के साथ फिल्म के कुछ सीन शूट भी किए गए थे, लेकिन फिरोज नाडियाडवाला को अक्षय कुमार के बिना ये फिल्म अधूरी लग रही थी और इसके लिए उन्होंने फिल्म को फिर से बंद कर दिया। और इस बारे में इतने सालों में उन्होंने कभी कोई बात नहीं की, लेकिन अब इतने सालों बाद फिरोज नाडियाडवाला ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बॉलीवुड हंगामा को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था, अक्षय कुमार के बिना हेरा फेरी अधूरी है और ये फिल्म अक्षय कुमार के साथ ही बनेगी और इस बार हेरा फेरी 3 नहीं बल्कि हेरा फेरी 4 भी बनेगी और फिर एक बार बाबूराव, श्याम और राजू की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करने के लिए आ रही है। और अगर सब कुछ सही रहा तो मेरे ओपिनियन से फिल्म आपको 2024 के एंड तक देखने को मिल सकती है। दोस्तों जो लोग हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के फैंस हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा, फिल्म आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आप कितने एक्साइटेड फिल्म को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।